हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्पेयर यानी कि गोला। तो गोले को दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों इसके कुछ फार्मूले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि गोला किसको कहते हैं, गोला होता क्या है। फुटबॉल देखे हैं आप, फुटबॉल हो या गेंद हो, वह क्या होता है, गोला ही होता है। यानी कि ये क्या है आपका, गोला है। यानी वह आकृति जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसी बाह्य बिंदु से समान दूरी पर होती है, वह आकृति समतल में कोई वह आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, गोला। और यह वृत्त का अगर इस गोले का केंद्र हो ओ, तो यह क्या है, इसका त्रिज्या, स्फीयर का क्या है, त्रिज्या। अब गोले का आयतन निकाल, आयतन क्या होता है आपका गोले का, 4/3 πr³। और वक्रपीठ आपका क्या होता है, 4πr² और संपूर्ण पीठ आपका क्या होता है, संपूर्ण पीठ भी आपका 4πr² होता है। अब अर्धगोला क्या होता है आपका, एक गोला है आपका, ऊपर से आप काट दें, कोई फुटबॉल है मान लीजिए, फुटबॉल को अगर आप काट देते हैं बीच बीच से तो क्या होता है, अर्धगोला। जैसे कि दोस्तों ये है आपका, तो ये किस फॉर्म में आपका हो गया, अर्धगोले के फॉर्म में। तो अर्धगोले का आपका आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। और अर्धगोले का ये आयतन है दोस्तों, और वक्रपीठ आपका क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपीठ आपका होता है 2πr² और संपूर्ण पीठ आपका क्या होता है, 3πr² यदि यही आपका गोला क्या हो, खोखला हो, खोखरे गोले में मान लीजिए गोला है आपका, यह कैपिटल आर है और ये खोखला है क्योंकि, तो ये आपका स्मॉल आर है, तब इसका आयतन आपका क्या हो जाता है, खोखले गोले का आयतन आपका हो जाता है 4/3 π कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर से मैं बता दें दोस्तों, गोले का आयतन होने आप क्या होता है, 4/3 πr³। वही अगर गोले का वक्रपीठ पूछ दे आपका तो 4πr² और संपूर्ण पीठ भी आपका 4πr² यानी गोले में आपका संपूर्ण पीठ वक्रपीठ दोनों आपका क्या होता है, 4πr² वही जब अर्धगोला हो जाता है तो 2/3 πr³ आपका आयतन हो जाता है, वक्रपीठ 2πr² होता है और संपूर्ण पीठ क्या होता है, 3πr² और गोली को या खोखला गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ है, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब कोई मान लीजिए आपका गोला है, गोले को अगर बेलन में ढाला जाता है तो बेलन की लंबाई आपकी क्या हो जाती है, चार गुणे गोले की त्रिज्या बटे 3 × बेलन की त्रिज्या। तो ये था दोस्तों इसके कुछ फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी बेस पर हम टोटल इस चैप्टर को, स्फीयर यानी कि गोला को करने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल कि क्वेश्चन कैसे पूछता है स्फीयर का। पहला एग्जाम्पल है आपका, कहा है 3 cm त्रिज्या वाले गोले पर 2 cm त्रिज्या वाले त्रिज्या का दूसरा गोला रखा गया है। 3 cm त्रिज्या का एक गोला है और दूसरा गोला कितना है, 2 cm त्रिज्या का, एक दूसरे के ऊपर रखा है। उस लंबी वृत्त शंकु की ऊंचाई क्या होगी जो दोनों गोलों के परिगत है, यानी यही आपका लंबी वृत्त शंकु की क्या पूछा है आपका, ऊंचाई यानी एआर का वैल्यू आपसे पूछा है।
उस लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई क्या होगी जो दोनों वृत्तों के परिगत है, जो दोनों वृत्तों के क्या है परिगत है। बोलिए पहला एग्जाम्पल है आपका, कहा है क्वेश्चन में आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा गोला रखा गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा गोला क्या रखा गया है। आगे क्या कहा आपका, उस लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई क्या होगी जो दोनों गोलों के परिगत है, यानी यही ऊंचाई आपसे क्या पूछा है, एल की वैल्यू आपसे पूछा है, यानी उस लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई क्या होगी जो इन गोले के परिगत है, गोले के परिगत है। तो साथ बताए दोस्तों आपका ये आपका बिंदु F से S की डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है 2 है, ठीक उसी प्रकार से ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या समान होती है। यहां भी आपका ए भी त्रिज्या, ए भी त्रिज्या, ए भी त्रिज्या, तीन तीन आपका समान है। तो हम समरूप त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज ए एफ जी समरूप किसके है, त्रिभुज ए ओ ई के, ए एफ जी समरूप त्रिभुज किसके है, ए ओ ई के। अगर हम ए एच बराबर मान ले क्या यक्स, तब समरूप त्रिभुज से आपका एफ जी बटे ओ ई बराबर किसके हो जाएगा, एफ ए बटे ए ओ के। एफ जी का वैल्यू आपका क्या है 2, ओ ई का वैल्यू आपका क्या है 3 बराबर एफ ए का वैल्यू आपका क्या है, एफ ए का वैल्यू आपका 2 प्लस यक्स है, और ए ओ का वैल्यू आपका क्या है, ये 3 है और ये 2 5, ये 2 7, 7 प्लस यक्स, 7 प्लस यक्स। फिर से समझिए दोस्तों, यह 3 है, यह 2 5, यह 2 7 और ये यक्स माने हैं। तो यक्स का वैल्यू यहां से आपका फाइंड आउट हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो अगर त्रिज्या पूरा करें तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस 2 यक्स बराबर 6 प्लस 3 यक्स। तो 2 यक्स जब राइट हैंड साइड में आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 यक्स तो आपका घट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 यक्स प्लस 6 बराबर क्या है आपका 14, 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा और 14 में से 6 जाएगा आपका क्या बचेगा 8, यानी यक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया 8, और टोटल हमको किसका वैल्यू निकालना है एल का। तो एल का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एल बराबर आपका क्या आ जाएगा, यानी यह टोटल डिस्टेंस है, एक्स का वैल्यू क्या है आपका 8 प्लस यक्स, एफ का वैल्यू क्या है 2, ठीक उसी प्रकार से एफ और यह पॉइंट जहां पर मिल रहा है इसका वैल्यू क्या है 2 प्लस यह क्या है आपका 3 प्लस यह ओ एल आपका क्या है 3, तो ऐड कर देंगे आपका क्या आ जाएगा 3 3 6 4 10 8 18, यानी ए एल बराबर आपका क्या आ गया 18, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर दूसरा, एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है, गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और तार की लंबाई होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि तार का आयतन यह बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के, तार का आयतन गोले के आयतन के बराबर क्यों, क्योंकि दोस्तों गोले को ही ने आपका खींच कर क्या बनाया गया है, तार बनाया गया है। तो तार का आपका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यच, और गोले का आयतन आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले आपका त्रिज्या क्या था 9, और खींच के तार बनाया गया तब त्रिज्या क्या हो गया 0.5, यानी कि पाई से पाई अगर कैंसिल आपका हो जाए 0.5 का स्क्वायर इंटू यच बराबर 4/3 आर क्यूब यानी 9 का क्यूब। तो अगर यच बराबर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा 4/3 9/9/9 बटे आपका क्या हो जाएगा 3/0.5/0.5 हो जाएगा। तो 3 से अगर काटे तो आपका 9 3 बार जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 4/9/3/9 बटे 5 25 25 यानी 2.5 आपका हो जाएगा। तो साल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 39, साल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 39.48 सेंटीमीटर।
जब इसको मीटर से में बदलेंगे तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा 39.48 मीटर, 39.48 मीटर। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर तीसरा। एक गोले को छीलकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक घर बनाना है, तो इस प्रकार बने बड़े से बड़े घर की भुजा की माप क्या होगी। हम मानेंगे दोस्तों घन की भुजा बराबर क्या है 2x है, तो टोटल आपका 2x है, इतना क्या हो गया 6x प्लस ये क्या हो गया x, या क्या आपका त्रिज्या r है, क्या है इस गोले का, या क्या है आपका OB त्रिज्या है। तो पाइथागोरस करने से आपका क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पाइथागोरस करोगे आप क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, या कह लीजिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2 रूट में, x बराबर आपका क्या हो जाएगा r बाय रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर चौथा। एग्जांपल नंबर चौथा आपने क्या कहा है, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो हम मानेंगे गोले की त्रिज्या क्या है आर है, तो गोले का आयतन क्या रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब रहा होगा। अब चूंकि 50% की वृद्धि कर दी जा रही त्रिज्या में, तो अब त्रिज्या क्या हो जा रहा है आपका 50% बढ़ाने पर आर गुणे 150/100। यह हमने कैसे किया, चूंकि दोस्तों आर आपका कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% के बराबर होती है, तो R आपका 100% के बराबर है, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा R by 100, तो 150% का वैल्यू क्या हो जाएगा R by 100 गुणे 150 के, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा 5 × 1 = 15, 5 × 2 = 10, 3R/2 हो जाएगा। अब त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 50% वृद्धि करने के बाद 3R/2, तो अब आयतन आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3R/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी आपका 4/3 पाई 3 × 3 × 3 आर क्यूब बटे क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 4 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 9R³/2 पाई, 9R³/2 पाई। तो पहले आयतन आपका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, अब क्या हो गया है 9R³/2 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 9πR³/2 − 4/3πR³। तो पाई आर क्यूब सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर क्यूब जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या 9/2 माइनस का 4/3 एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 6 × 2 = 6 × 9 = 27 माइनस 3 × 6 = 4 × 8 = 27 − 8, और ये आपका ऑलरेडी पाई आर क्यूब है, तो 27 में से आपका 8 जाएगा, बचेगा क्या आपका 19πR³/6, यानी कि 19πR³/6 आयतन में वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं 19πR³ कितने में बढ़ रहा है 4/3πR³ में, 19πR³/6 है बटे 4/3πR³, तो बटे का बटे का सबसे ऊपर चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा 19 × 3 ×
19 गुणे 3 गुणे पाई आर क्यूब, और यह 4 पाई आर क्यूब किसके साथ चला जाएगा, 6 के साथ, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 19 बटे क्या हो गया आपका 8, क्योंकि परसेंटेज है, तो आपका 100 से गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो परसेंटेज वृद्धि आपको पता चल जाएगा। तो 1900 बटे क्या हो जाएगा 8, तो इसको 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 गुणा 16 बचा 3, 8 3 24 बचा क्या आपका 6, 10 8 5 40 8 6 48 8 7 56 4 बचा 8 5 40, यानी 237.5% की वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि आपका कितना हो गया 237.5%। अब लेते हैं प्रश्नावली के ये पहले नंबर क्वेश्चन, यानी अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन, इसी गोले तथा अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होता है, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या होता है 4 पाई आर क्यू, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका 3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू आर क्यू कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आपका अनुपात क्या मिला 4:3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कहा है, एक गोले का आयतन पहले 8 गुना हो जाता है तो उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई है, तो पहले आयतन आपका क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, अब क्या कर दिया गया आयतन को 8 गुना, यानी 8×4/3 पाई आर क्यूब, तो पहले आर वन था आर टू हो गया होगा, तो आपका क्या पूछा है कि त्रिज्या कितना वृद्धि किया गया है, तो देखेंगे दोस्तों 3 से 3 आपका कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा आपका, पाई से पाई आपका कट जाएगा, बचेगा क्या आर वन का क्यूब बराबर आर टू का क्यूब इंटू 8, यानी कि यह कर लीजिए आर वन बराबर करड़ी में 8 आर टू का क्यूब, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बाहर आ गया तो 2 आर वन क्या हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो गया पहले का त्रिज्या क्या हो गया 2 गुना, पहले क्या था आर वन, अब क्या हो गया 2 आर टू, यानी कि 2 गुना हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन क्या दिया है 4851, तो उसका वक्र पृष्ठ होगा, और 4 ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया 1286 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया 1386 मीटर, ऑप्शन सी दिया आपका 1486 मीटर, ऑप्शन डी दिया आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आयतन आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, यह बराबर किसके दिया है 4851 के, यानी कि आपका आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4851 बटे के रूप में आपका आ जाएगा क्या 4×π, और यह 3 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, यानी कि r बराबर आपका क्या आ जाएगा 4851×3×π का मान क्या होता है 22/7, यहां 22/7 में 7 आपका ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे रह जाएगा, यानी 4×22, तो r क्यूब है, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 4851, सबसे पहले यहां काट लीजिए आप 11×22, 11×44 बचा 4, 11×44 11×11, यानी बचा क्या आपका 441×3×7, बचे नीचे क्या बचा आपका 8, इधर से स्क्वायर हट गया इधर कड़ी लग जाएगा, तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है, ये भी 21 हो रहा है, तो बाहर आपका क्या आ जाएगा 21, ये आपका किसका क्यूब होता है 8 2 का, यानी 2, r का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 21/2, तो गोले का वक्र पृष्ठ आपको क्या होता है पता है
फोर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का वैल्यू क्या आया है 21 बटे 2, यानी 21 बटे 2 गुणे 21 बटे 2 हो जाएगा आपका, तो 4 आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 7 तीर के 21 हो गया, यानी आपका 22 गुणे 3 गुणे 21 हो गया, इसको गुणा करते हैं 3 × 9 = 3 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, गुणे 22। अब 22 से किससे में गुणा करेंगे 63 में, तो 2 × 6 = 6 × 12 ऐड कर देंगे 3, 5, 3, 1 1353 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया 3 सेंटीमीटर, बी दिया आपका 4 सेंटीमीटर, सी दिया आपका 2 सेंटीमीटर, डी दिया आपका 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन आपका क्या होता है, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, यानी यह बराबर किसकी देती है आपका 18 पाई की, तो आर का वैल्यू आपसे पूछा है, तो पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर 18 का काटे का नौ हो जाएगा, आर क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे 9 × 3 = 27 हो गया, यानी आर का वैल्यू आपका क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को है, एक घन तथा उसी के अंदर बने गोले के आयतनों का अनुपात यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छूता है तो होगा, 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया आपका 12 अनुपात पाई, ऑप्शन बी दिया आपका 6 अनुपात पाई, ऑप्शन सी दिया 4 अनुपात पाई, ऑप्शन डी दिया आपका 3 अनुपात 4 पाई। तो कभी भी दोस्तों अगर घन के अंदर आपका गोला बन रहा है तो आपका घन का अगर कोर क्या हो या अगर ये भुजा अगर यक्ष हो तो आपका गोले का त्रिज्या क्या हो जाता है यक्ष बटे 2, तो घन का आयतन आपका क्या होता है यक्ष क्यूब बटे गोले का आयतन आपका क्या होता है 4/3 πr³, यानी यक्ष बाई 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यक्ष क्यूब बटे 4/3 πr³, यक्ष क्यूब ये भी हो जाएगा आपका बटे 8, क्योंकि 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा आपका, ये बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी यक्ष क्यूब गुणे 3 × 8 बटे आपका क्या हो जाएगा 4 πr³, यक्ष क्यूब से आपका यक्ष क्यूब कट जाएगा और 4 × 8 हो जाएगा, अनुपात क्या मिला आपका 6/π, क्योंकि 6 बटे आपका पाई हो रहा है तो अनुपात में आपका क्या हो जाएगा 6/π, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आज के लिए बस इतना ही, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा इसके फार्मूले और 4 एग्जांपल और 5 क्वेश्चन, कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से, आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल कोडी स्टडी फार्म सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे, धन्यवाद।